हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CBFS T20 लीग की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहां पर फ्यूचर मेट्रेस वर्सेस JVS स्टेलियंस के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अरेबियन T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, पौंडुचेरी T20 के भी वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच शाम को 5:30 पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो ऐसे बैटिंग फ्रेंडली पिच है, शॉर्ट बाउंड्रीज है और काफ़ी अच्छे रन्स बनते हैं। यहाँ पर पेशर्स को शुरुआत के अंदर हेल्प मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 150 के प्लस तो आराम से स्कोर बन सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड में इक्वली आंकड़े, तो टॉस ज़्यादा इतना कुछ खास मायने रखेगा नहीं। हालांकि एक चीज़ है यहाँ पर, FM के जीतने के चांसेस, या फिर 90% जीतने के चांसेस FM के, कल भी मैंने बताया था रात को जो मैच थी यहाँ पर अरेबियन में, उसमें भी FM जीते था। यहाँ पर भी मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर FM के, बाकी क्रिकेट है, कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। जैसे कि आज नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती है, बाकी यहाँ पर FM जीतती हुई नजर आ सकती है। FM की बात करो तो अभी तक दो मैच खेली इस टूर्नामेंट के अंदर, दोनों ही जीतती हुई आ रही है। ओपनिंग की बात करो तो ऐसे रोहन मुस्तफा और यहाँ पर अश्वथ वलथप्पा दोनों ओपनिंग करवाई, और दोनों इंपॉर्टेंस रहेंगे। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से ऐसे अश्वथ वलथप्पा दिखेंगे, ओवरऑल काफ़ी जबरदस्त प्लेयर है, बड़ी बड़ी नॉक इन्होंने खेली हुई है, तो इनको आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। बाकी रोहन मुस्तफा तो सीधे कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है, तो इनको तो लेके जाने का ही है। आदिल मिर्जा की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर काफ़ी भारी भरकम प्लेयर है, वजनदार प्लेयर है, तो लास्ट मैच के अंदर 26 रन उन्होंने काफ़ी अच्छे किए, शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी, और लेकिन फिर वो थक गए और मिस वो चले गए, स्टेडियम में चले गए थे। तो एक बार वही उम्मीद के साथ हम लोग इनको लेंगे, अगर 20-25 रन भी करते हुए नजर आते तो हमको वन साइडेड विनिंग करवा सकते हैं, साथ ही में यहाँ पर ओवर्स वगैरह करवा लेते हैं। तो एज ए प्लेयर हम इनको ट्राई कर सकते हैं, आदिल मिर्जा को, प्लेयर अच्छा है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। आलिशान शर्पू डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए, इवन यहाँ पर कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, प्लेयर जबरदस्त है। यहाँ पर हर एक मैच के अंदर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ सकता है, हालांकि ज़्यादातर ये ओपनिंग में ही खेलता है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर चौथे नंबर पर आए, पहले मैच के अंदर ऊपर खेला था, तो ये कुछ एक बार फिर से यही उम्मीद रहेगी इनसे। खयाम खान की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर टीम के साथ जुड़े, वैसे ओवरऑल दो मैच के अंदर 23 रन के उनके रिकॉर्ड्स मिले थे, लास्ट मैच की बात करो तो सिर्फ 20 रन किए, लेकिन वही है कि अगर कोई अच्छी चॉइस मिले तो ट्राई करिएगा, क्योंकि इनके जो टॉप प्लेयर हैं यहाँ पर अश्वथ वलथप्पा, आलिशान शर्पू और रोहन मुस्तफा, इनमें से अगर कोई एक भी प्लेयर अगर टिक जाता है, बड़ी पारी खेल लेता है, तो इनकी बैटिंग आनी थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, तो इनको थोड़ा सा रिस्की तौर पर ट्राई करिएगा। सैयद हैदर शाह की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर दो विकेट निकाली, एक ओवर की गेंदबाजी करते हुए, और रन बैटिंग से भी यहाँ से 32 रन किए, तो एक बार फिर से इनके ऊपर भरोसा पूरा रहेगा, क्योंकि ओवर्स करवाई उसके लिए, बाकी तो मैं बैटिंग से इनसे उम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर उनका काफ़ी नीचे है। कब लेने का, अगर FM अगर पहले बैटिंग करवा दिया तभी हम लोग ट्राई करेंगे सैयद हैदर वशी शाह को। बाकी फराजुद्दीन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, आप लोग चाहो तो उनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि बल्क में विकेट निकालता है भाई साहब, कोई एक दो विकेट नहीं चलती, यहाँ पर 3-4 विकेट चाहिए इनको, तो यहाँ से फराजुद्दीन डेफिनेट एक अच्छी पिक है, इनके ऊपर भरोसा पूरा कर सकते हो। उजैर खान ने लास्ट मैच के अंदर रिकी ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, लेकिन कल की मैच की बात करो तो वहां पर ओवर्स पूरी करवा रहे थे, तो 4 ओवर्स पूरी करवा सकते हैं अगली मैच के अंदर, तो उजैर खान के ऊपर भरोसा पूरा कर सकते हो। वैसे ओवरऑल पहले दोनों मैच के अंदर दो विकेट उन्होंने बुखातिर 50 ओवर्स के अंदर निकाली थी 10-10 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए। मतीउल्लाह खान वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, भरोसा कर सकते हो, डिफरेंशियल में लेके जा सकते हो। इमरान खान जूनियर 74 मैच के अंदर 85 विकेट है, तो यहां से इनको ग्रैंड लीग वगैरह में, या फिर यहां से 4 मेंबर 6 मेंबर वाली लीग खेलते हो तभी आप लोग ट्राई करिएगा। बाकी स्मॉल लीग के लिए शायद इनको मैं सजेस्ट ना करूं, अजहर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन ये बंदा भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस रहेगा, क्योंकि अरेबियन T20 के अंदर भाई साहब का यहाँ पर डंका बज रहा है, मोहम्मद अजहर का अरेबियन T20 के अंदर डंका बज रहा है, तो आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो।
बाकी स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ से रोहन मुस्तफ़ा और आदिल मिर्जा रहेंगे। डेथ ओवर्स में यहाँ से सैयद हैदर वशीशा और यहाँ से आलिशान शरफू डेथ ओवर्स में आएंगे। और बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो उनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल गेम आपको वहीं पर मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा स्क्वाड है और इनमें से कोई भी प्लेयर खेलता हुआ नजर आ सकता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बल्क में चेंजेस होते हैं, 3-4 चेंजेस होते हैं हर एक मैच के अंदर, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जेवीएस ने अभी तक 4 मैच के लिए 4 मैच हारती हुई आ रही है, यहाँ पर भी मैक्सिमम चांसेस हारने का ही है। ओपनिंग की बात करो तो यहाँ से हमीद सहबाज और यहाँ से मणिकंदन कलीमुट्टू दोनों ओपनिंग करवाई, और इंपॉर्टेंस की बात करो तो इन दोनों को अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ओवर्स की बात करो तो ओवर्स उन्होंने दोनों ने एक एक ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी, यहाँ पर ये तो ज़्यादातर ओवर्स भी करवा देने थे। और बैटिंग से इनसे उम्मीद करना काफ़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, हालांकि क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामने वाली टीम का जो बॉलिंग अटैक है ना, बॉलिंग अटैक काफ़ी तगड़ा है, तो यहाँ से उनकी शुरुआत की विकेट जल्दी गिर सकती है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि शुरुआत के अंदर ऐसे पेसर्स को अच्छी हेल्प मिलती है, तो ऐसे शुरुआत के अंदर इनकी 2-3 विकेट गिर सकती है, तो इसके लिए मैं यहाँ से टॉप के प्लेयर के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर उमर यासीन जो है इनके ऊपर डेफिनेटली भरोसा करिएगा, क्योंकि ये अच्छे खासे स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। 28-35 जैसे ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के अंदर स्कोर कर चुके हैं, और आगे भी आपको एक थोड़ा बहुत स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से कंसिस्टेंट प्लेयर है, करीबन 38 की एवरेज है, और हर एक मैच के अंदर थोड़े बहुत ठीक ठाक स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ये दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहां पर ऑलरेडी आपके पास 2 चॉइस रहने वाली है, तो कन्फ्यूजन तो इनके बारे में भी होने वाला है। अकमल राशिद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ओवर्स वगैरह हर एक मैच के अंदर 3-4 ओवर्स पूरी करवाएंगे, तो इनके ऊपर भरोसा पूरा कर सकते हो। बाकी अद्वैत गोविंद की बात करो तो 2 मैच के अंदर ओवरऑल 30 रन थे, लास्ट मैच की बात करो तो 4 रन किए, इनको अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, थोड़े से रिस्की पड़ेंगे। इस्लाम को आप लोग डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच के अंदर 31 रन किए थे, इससे पहले उन्होंने 3 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी की थी, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवा लेते हैं तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते। बाकी बिलाल आदिल की बात करो तो ये भी इनकंसिस्टेंट है, देखो लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट बंदे ने निकाली है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। इनकंसिस्टेंट प्लेयर है तो आप लोग रिस्की तौर पर इनको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस किया था, आगे यहाँ से 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, तो आप लोग डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। कासिम से भी जितना उम्मीद था इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है, हालांकि इस बंदे को आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह में टीम के अंदर जरूर शामिल करोगे, क्योंकि करीबन 39 की एवरेज से 107 मैच के अंदर 2883 रन है, साथ में ऐसे 200 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए यहां पर 76 विकेट निकाले हुए, तो भरोसा इनके ऊपर कर सकते हो। याकूब को जरूर ट्राई करिएगा, देखो ये दोनों प्लेयर के ऊपर भरोसा करना है आपको, कासिम यानी कि मोहम्मद कासिम और कासिम याकूब, इन दोनों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। अनिल राठौड़ ओके रहेंगे, बाकी गणेश दफवाले की बात करो तो इनको रिस्क के तौर पर ट्राई करना है। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर ए राशिद और एच शाहबाज स्टार्टिंग करेंगे। डेथ ओवर्स में देखो लास्ट मैच के अंदर डेथ ओवर्स आई नहीं, लेकिन इससे पहले वाली जो मैच थी वहाँ पर कलीमुट्टू ने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की थी, इनके साथ ही ऐसे गेंदबाजी के लिए आए थे इमरान खान चीता, जो कि डेथ ओवर्स में आए थे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर चीते को पिंजरे में पूल दिया, मीजिया बेंच पर बिठा दिया, तो हो सकता है कुछ इंजरी इश्यू वगैरह हो सकता है, बाकी ये प्लेयर अगले मैच के अंदर खेलता हुआ नजर आ सकता है। बाकी बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। बाकी अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें अगर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैं दोनों विकेट कीपर को ले रहा हूँ, एक तो यहाँ से उमर यासीन और यहाँ पर अश्वथ वलथप्पा, क्योंकि शुरुआत क्या है कि सामने वाली टीम से अगर कोई बैटिंग से अच्छा पॉइंट्स दे सकता है तो वो यहाँ से यासीन ही है जो सबसे बेहतर पॉइंट दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर अश्वथ वलथप्पा को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इनकी गेंदबाजी ठीक ठाक है, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ओपनिंग करते हैं यहाँ पर रोहन मुस्तफा के साथ, तो अच्छा स्कोर की उम्मीद रहेगी इनसे, इसके लिए मैंने दोनों विकेट कीपर को लिया हुआ है। बैटिंग सेक्शन में यहाँ से मोहसिन इस्लाम और आलिशान शरफू को, बाकी यहां से आप लोग अली अबिद को या से आदिल मिर्जा को भी ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहां से रोहन मुस्तफा और मोहम्मद फराजुद्दीन रहेंगे। यहां से अगर उमेर अली खेलते हैं तो डेफिनेटली लेके भी जाना है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी करना है, बाकी अदरवाइज ऑप्शन सारे ठीक ठाक है। मैं यहां से रिस्क लेना चाहूं तो यहां पर कलीमुट्टू को ऊपर रिस्क ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो यहां से मोहम्मद अजहर, मोहम्मद उजेर खान, इनके साथ यहां से मतीउल्लाह खान और यहां पर ए राशिद यानी कि अकमल राशिद मेरी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी आप लोग चाहो तो ऐसे मतीउल्लाह की जगह पर इनको ट्राई कर सकते हैं, ऐसे और रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। टीम की बात करें तो टीम कुछ इस तरह से रह सकती है, कैप्टन हमारे रोहन मुस्तफा, वाइस कैप्टन यहाँ से आलिशान शरफू रहेंगे। अदरवाइज ऑप्शंस की बात करो तो मोहम्मद अजहर को ट्राई कर सकते हो वाइस कैप्टन के तौर पर, फराजुद्दीन को ट्राई कर सकते हो वाइस कैप्टन के तौर पर, तो ये दोनों प्लेयर में से किसी को भी आप लोग वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो।
बाकी के सारे ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए रिस्की रहेंगे। तो अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रह सकती है, याद रहे कि जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना है फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर ही मिलने वाली है। या अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के अंदर, साथ ही में यहां पर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।